साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्टम और उसका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों युवाओं के भविष्य की नींव रखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं। बीते 8-9 वर्षों में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ऐतिहासिक सुधारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस दौरान देश ने 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया। पहले इन कानूनों का डर दिखाकर एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जाता था, इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था। लेकिन आज सरकार जॉब क्रिएटर्स के साथ खड़ी और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है। हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए जन विश्वास बिल लेकर आए हैं। कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवाद से विश्वास योजना लेकर के आए हैं। इस बार के बजट में भी टैक्स दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों और उद्यमियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इन बदलावों से जो युवा जॉब क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे।